क्रिकेट वैसे तो बहुत मज़े की गेम है, लेकिन पाकिस्तान में ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जबकि कुछ अजीब फैसले लिए जाते हैं। आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि कोई एक्टिव क्रिकेटर मुल्क का चीफ सेलेक्टर बन गया हो, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ मुमकिन है। और रिसेंटली वहाब रियाज पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। ये वही प्लेयर हैं जो पिशावर जर्मी में बाबर आजम की कैप्टनसी में खेलेंगे। कुछ खबरों के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि वहाब रियाज अपनी रिटायरमेंट वापस लेने वाले हैं और ख़ुद ही अपने आप को सेलेक्ट करके पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने वाले हैं। और ये आप देखें कि जब एक एक्टिव चीफ सेलेक्टर यानी एक्टिव प्लेयर ही चीफ सेलेक्टर होगा तो यकीनन दोस्ती यारी इफ़ेक्ट करेगी और हमारे PSL का क्या हाल होगा और हमारी क्रिकेट टीम का क्या हाल होगा। लेकिन बोर्ड इस बात से शायद उनका इंटरेस्ट किसी और तरफ है और इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वहाब रियाज ने अपने आते ही शुएब मलिक को भी ग्रीन सिग्नल दिया है क्योंकि मोहम्मद हफीज़ भी अब मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या शुएब मलिक वापस आएंगे और यंगस्टर को बैठना पड़ेगा जो उनकी जगह खेल रहे हैं? यकीनन शुएब मलिक एक बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने एक लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एक अहम रोल प्ले किया और उन जैसे प्लेयर अभी तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नहीं आए। लेकिन अब यंगस्टर को चांस दे देना शायद बेहतर होगा क्योंकि अब वो रिटायरमेंट या साइड पर हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी खेलना चाहते हैं और इस कंडीशन में उन्हें चांस दिया जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शुएब मलिक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होने वाले मैचेस में परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन क्या ये सही है या गलत ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इससे यंगस्टर को चांस कम मिलेगा जो कि आजकल खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं टीम में जगह बनाने की, उनकी जगह कम होती जाएगी। और रिसेंटली पाकिस्तानी टीम में होने वाली तब्दीलियों ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। आपके मुताबिक क्या ये तब्दीलियां दुरुस्त हैं? वहाब रियाज का चीफ सेलेक्टर होना दुरुस्त है? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।